नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सरोहन और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो काफी लंबे टाइम बाद बना है, कुछ फेस्टिव सीजन्स थे तो टाइम नहीं लग पाया और पहले भी किसी प्रोजेक्ट में बिजी थे। तो आज हम बात एक ऐसे टॉपिक पे करेंगे जो कि काफी कॉमन है लेकिन हमारे लिए नया था, हम लोग नहीं करते थे उसमें। बेसिकली हम बैंक निफ्टी, निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन बाइंग की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग, ओनली बाइंग। हो रहा था कि मार्जिन काफी बड़े लग रहे थे हमारे और हम उस पे उतनी क्वांटिटी हम ट्रेड नहीं कर रहे थे, और बहुत सारी क्वेरीज भी थी कि आपकी स्ट्रेटेजी में इतना 1000 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी या कोई बड़ी क्वांटिटी हम कैसे कर पाएंगे, मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमने अभी एक सेगमेंट चालू किया है विच इज ओनली बेस्ड ऑन ऑप्शन बाइंग, नॉट सेलिंग और राइटिंग, ऑप्शन बाइंग। और उसमें हम कोई भी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे तो ऑप्शन बाइंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये पूरा जो लिस्ट रहेगी ये ऑप्शंस के ऊपर रहेगी। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज या फिर आप स्ट्रेटेजी या एनालिसिस या मेरा एनालिसिस या फिर पूरा डे में कभी भी ट्रेड होता है तो हमारे जो ट्रेड होते हैं उसको भी हम कोशिश करेंगे कि लाइव लेके आए आपके लिए। और आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, और ये आप स्टॉक नॉर्मली भी अप्लाई कर सकते हो स्ट्रेटेजीज को या हमारे फार्मूले को या कंसेप्ट को। तो फोकस सिर्फ हमारे एनालिसिस और कंसेप्ट पे है। मार्केट में ट्रेड तो कोई भी करता है लेकिन बेसिकली स्मॉल प्रॉफिट में निकलते हैं लोग, और स्टॉप लॉस का कोई लिमिट नहीं होता, अनलिमिटेड स्टॉप लॉस एंड स्मॉल प्रॉफिट होना जबकि इसका उल्टा चाहिए, जो पॉसिबल नहीं होता। कई बार इमोशनल हम भी कर देते हैं, कई बार इमोशनल होके हम ट्रेड को होल्ड करते हैं, नुकसान को होल्ड करते हैं। और जहां 100 रुपए का, जहां आपको 1 लाख का नुकसान होना चाहिए, जहां आपको 10 हजार का नुकसान होना चाहिए, वहां आप 1,50,000 तक वेट करते रहते हैं और पूरा का पूरा मार्जिन एग्जॉस्ट कर देते हैं। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर 1,50,000 रुपए से ही ट्रेड करते हैं या किसी बड़े अमाउंट से ट्रेड करता है, कोई भी एग्जॉस्ट सब कुछ हो जाता है, कोई भी अमाउंट एग्जॉस्ट हो सकता है मार्केट में। मार्केट भी किसी के लिए नहीं रुकी है और पैसे ही चलते रही है। तो आज का कंसेप्ट सिर्फ ऑप्शन बाइंग पे है। हमने कुछ फार्मूले तैयार किए हैं और उस फार्मूले में सिग्नल्स, बेसिकली हम सिग्नल्स की बात करेंगे या हम अपने एनालिसिस की बात करेंगे। तो हमारे पास स्टॉप लॉस जो है वो ऑलवेज 200-150 पॉइंट का है। बहुत बड़े साइज में जैसे ओपनिंग टाइम पे आता है तो कई बार वो 200 पॉइंट का हो जाता है। बैंक निफ्टी में बात कर रहा हूँ, अदरवाइज 100-60-70 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। 60 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस रहेगा, बट नॉट मोर देन दैट। और प्रॉफिट टारगेट 1:10 है। यू कांट बिलीव दैट 1:10। मैंने प्रीवियस एक स्टॉक स्ट्रेटेजी में भी आपसे डिस्कस किया था कि हमारे स्टॉप लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट जो है 1:10 मिनिमम है, 1:5, 1:10 मिनिमम है, और क्लोजिंग तक हम वेट करते हैं। वी आर वेटिंग फॉर टिल मार्केट क्लोज। अगर मार्केट क्लोज तक वेट करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलते हैं। जैसे हम बात करें, अगर ओपनिंग पे बाइंग, ओपनिंग पे सेल आया तो हमने पुट बाय किया, और पुट आप देख सकते हो 786, 700, 800 का, 800 की वैल्यू है तो 600, 500 का पुट, या एट द मनी आईटीएम या एटीएम आप कुछ भी कर सकते हो। ऑप्शन में देखिए, अगर आप देखें तो 700 से लेके अगर ट्रेड देखें तो ये 600 पॉइंट है। अगर हम 1:1 में और यहाँ पे 786 और ये 954, मीन्स आपके पास 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर 120 पॉइंट में आप लेके निकलते तो आपके पास बचता कुछ नहीं था, 120 पॉइंट यहीं पे खत्म हो गया था। यहाँ पे ट्रेड देखें, ओपनिंग पे बाइंग हुआ, क्लोजिंग पे क्लोज हुआ। अभी ये प्रॉफिट यहाँ पे अगर एग्जिट करते हैं तो मार्केट हो सकता था बहुत बड़ा बूम करे। जैसे इस दिन की बात करें, आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, एंट्री पॉइंट आपको यहाँ ऊपर टॉप पे दिखेगा, 35,388 वो एंट्री है। 35,388 बेसिकली इस कैंडल का ही हाई है और ये बिल्कुल एग्जैक्टली बॉटम पे और टॉप पे ही वेट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए 35,400, राइट, 35,388 ये हमारा बाइंग लेवल है। स्टॉप लॉस लेवल आपको यहाँ पे दिखेगा, SL 105 पॉइंट का है। अब मैं इस ट्रेड की बात करूँ, SL 179 पॉइंट का है। अगर मैं इस ट्रेड की बात करूँ तो SL 141 पॉइंट का है। और ये ट्रेड अभी देखिए 141 पॉइंट का एसएल है, बट हुआ क्या है, ये ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, एंट्री वाज 43 44, राइट, 44 44, और बाइंग एंट्री कहाँ पे हुई, अगली 77, सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल है, 30 पॉइंट। अब देख लीजिए 44 और 77, तो एसएल आपका, तो आपका तो 33-34 पॉइंट का आपका एसएल हुआ।
120 पॉइंट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे कि 120 पॉइंट के लिए आपको वेट करना होगा, 120 पॉइंट और समथिंग 140 पॉइंट। ओके, तो इमीडिएटली मार्केट ने रिएक्ट किया, मार्केट ने नहीं परफॉर्म किया। ओके, अभी देखते हैं सिग्नल में हुआ क्या। अगर जो ऑप्शन बायर हैं वो बेसिकली करते क्या, स्कैल्पिंग करते हैं, 60-70 पॉइंट 100 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं और बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हैं, तो हम उसी के लिए हमने ये स्ट्रेटेजी डिजाइन किया है बिग ट्रेंड्स के लिए भी, कि हम अगर चाहें तो 100-150 पॉइंट कभी भी किसी सिग्नल से 150-200 पॉइंट आप इमीडिएटली लें और एग्जिट करें। 1:1 की रेशो में आप अगर ट्रेड करना चाहें तो एक्यूरेसी रेट बहुत हाई हो जाएगा। एज ऑफ 40 और मार्केट ने लो लगाया है 841 का, 200 पॉइंट का मूवमेंट है ये। 200 पॉइंट मार्केट नीचे गया तब ऊपर आया, 33 पॉइंट का एसएल किया, उसके बाद क्या हुआ, 77 मार्केट ने हाई मारा। हमारा टारगेट बड़ा रखते हैं हम, 1:10 का हमने रखा हुआ है इसमें, तो वहां से सेल कितने पे आया, आपको सेल मिला है ये वैल्यू पे 30,312, यानी करीब 250 पॉइंट, 250 पॉइंट ऊपर इमीडिएटली की मार्केट दोबारा से कम बैक टू 915, 300 से 915, 400 पॉइंट मार्केट फिर से टूटी। यहां पे देख लीजिए, अगर आप चाहें तो हमारी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी के साथ, देखिए एसएल यहां पे छोटे-छोटे एसएल हैं, आपको दिखाता हूं एसएल किस तरीके से हुआ। अभी ये ट्रेड हुआ तो एसएल हमारे पास फर्स्ट जो एसएल था वो 194 का एसएल था, राइट। बट हुआ क्या है, एंट्री आप देखें 132 और मेरा बाइंग एंट्री कितने पे है, 260, यानी 130 पॉइंट, यहाँ पे कितना है 200 पॉइंट, तो 130 पॉइंट पे हमने बाइंग किया। देखिए बहुत थोड़ी वैल्यू से, बहुत कम वैल्यू से हमारा टीपी हिट होने से बचा, लेकिन वैल्यू अगर आप देखें यहाँ 255, 613, 260 से 660, 400 पॉइंट मार्केट ऊपर गया। बायर्स के लिए या ऑप्शन बायर के लिए एक यूनिक कंसेप्ट हम लेके आए हैं, और इस कंसेप्ट में यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ, डेड स्टॉप लॉस हुआ, मार्केट कहीं नहीं, मार्केट उसके बाद भी अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड भी करते तो बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेड हमारा यहाँ कहीं बन जाना चाहिए था, स्टॉप लॉस की वजह से स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा रहा, तो ये ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे नहीं बन पाया। मतलब हम मैनुअल तो देख सकते हैं, अगर ये ऑटोमेशन में नहीं होगा, मैनुअल होगा तो हम इजीली यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं 427 पे, और मार्केट 560 तक ऊपर गया, राइट। 427 से 560 120-30 पॉइंट आपको मिला, तो ऑप्शन बाइंग के लिए एक परफेक्ट पॉइंट है, राइट। अभी एसएल मिला और यहाँ पे आप देखें 159 पॉइंट का एसएल है, बट नेवर एवर गोन, मार्केट क्रैश हुआ 610 से लेके और 544, राइट। ये हमारा एक ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटेजी है, इसको ही हम स्टॉक में फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए एंट्री हुआ 671 और कितना गया, 490, तो आप समझ सकते हैं कि 170-180 पॉइंट है मार्केट में, और इसको काम करने के लिए कोई भी ऑप्शन बायर रेडी होगा और इजीली किया जाएगा। आप इसमें स्टॉप लॉस भी फिक्स है। दूसरा क्या है कि हमने बैंक निफ्टी के लिए सभी ऑप्शन बायर के लिए एक एक्सपायरी के दिन को छोड़ के, एक्सपायरी के दिन में होता है कि आपका 160 पॉइंट हुआ तो ऑप्शन भी 100-125 पॉइंट मार्केट ने साथ ही साथ मूव करते हैं, अदरवाइज किसी भी दिन तो 120, 100, 120 या 150 इस रेंज के बीच में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कभी भी आपका जो एसएल है ऑप्शन का वो 50-60 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब एक्यूरेसी की बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज मैंने किया है, सिंपल है। अभी हम करते हैं इसमें, अगर हम बात करें तो ये एटीएम ओटीएम है, फॉर्मूला इस तरीके का, बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड किया जा सकता है, करंट वीक, करंट मंथ, करंट नेक्स्ट, व्हाटएवर, एटीएम 1, 2, 3, ओटीएम, आईटीएम, ये सब कुछ इसमें कर सकते हैं। ये पूरा स्ट्रेटेजी का पार्ट है और ये पूरा वैल्यू का पार्ट है। अब देखिए 1:3.25 मैंने रखा है, 1:2 लॉन्ग लॉन्ग किया है, सिर्फ लॉन्ग किया है, लॉन्ग में 60% एक्यूरेसी है, 88 ट्रेड टोटल हुआ है 3-4 महीने में। मेरे पास डाटा थोड़ा कम है, जेएफडीएल का डाटा था एक्चुअली, ये एक्सपायर है तो टुमारो वी विल स्टार्ट अगेन, उस हॉलीडे के वजह से उसको रिन्यू नहीं करा पाए थे और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई इसलिए टेक्स टाइम। सो यहाँ पे 1:3 है, अभी मैं इसको बोथ साइड में करता हूँ और इसको 1:10 पे करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। बेसिकली 1000 क्वांटिटी से हमने ट्रेड किया है, निफ्टी आल्सो देयर, तो करंट सिंबल पे जाएंगे और बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है, 76,43,400, राइट,
63% एक्यूरेट, राइट, 63%, 74 ट्रेड हुआ। और निफ्टी के साथ करते हैं तो निफ्टी में आपको पता है कि निफ्टी में थोड़ा सा डाउन आपको ज्यादा दिखता है, या उसमें चीजें आपको ज्यादा दिखती हैं। अभी हम इसमें 1:1 कर लेते हैं, और सिर्फ 1:1 या 1:5, 70% एक्यूरेट। आज तो कोई, मैंने अपनी नजर में या मैंने के YouTube पे या कहीं भी कोई भी ऑप्शन बायर कोई मुझे आके कहे कि कोई फार्मूला या कोई ऐसी चीज है कि ऑप्शन बाइंग में हम 60-70% एक्यूरेसी देते हैं, आपको पता है स्टॉप लॉस फिक्स होने वाला है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होने वाला है। अभी यहाँ पे कितना आ रहा है, 40,85,000, 77,000 क्वांटिटी, 1,000 क्वांटिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का किसी भी ऑप्शन का नॉर्मली किया जा सकता है। 300-400 का क्वांटिटी है, अगर कोई भी ओपनिंग प्राइस भी देखें तो 400 के आसपास सेकंड ओटीएम, थर्ड ओटीएम आपको, आईटीएम ओटीएम, थर्ड आईटीएम आपको मिल जाएगा सेकंड और थर्ड। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सपोज तो भी प्राइस 400 है, तो आपको 1,000 क्वांटिटी करने के लिए आपको 4 लाख का मार्जिन चाहिए, राइट। तो 4 लाख के मार्जिन में आप ट्रेड कर सकते हैं इजीली 1,000 क्वांटिटी। 4 लाख के मार्जिन में आप समझिए कि हाउ बिकम टू बी प्रॉफिटेबल। और मेरा कोई प्रॉफिट लॉस का ओपिनियन नहीं है इसमें, बट ऑप्शन बायर्स के लिए एक बात है कि ऑप्शन बाइंग स्टॉप लॉस रखिए, कुछ भी ऑप्शन आपको पता है वीकली और मंथली ऑप्शंस जो हैं कभी तो जीरो हो जाती हैं, या एक्सपायरी पे तो होना ही है, तो एक्सपायरी को तो एटीएम कॉल्स जो है वो जीरो प्राइस हो जाता है। तो बड़ा इंट्राडे में एक या दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड आप इजीली कर सकते हो विद अ फिक्स स्टॉप लॉस एंड एंजॉय द बिग प्रॉफिट। आपका मार्जिन भी कम लगता है। स्मॉल ट्रेडर है कोई, देखिए स्मॉल ट्रेडर अगर कोई ट्रेड करता है तो बड़ी जल्दी पैसा लूज करता है, वो सिर्फ स्टॉप लॉस की वजह से लूज करता है। इमिडिएटली बहुत बड़ा अमाउंट अगर बाइंग करेगा तो ऑब्वियसली वो पैसा खतरी। मेरी सलाह यही, तो मेरी सलाह यही है कि थोड़ा मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखें, अपने एडवाइजर से बात करें। हम कोई सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, और वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कॉल और सिग्नल्स। हमारा कोई टेलीग्राम, कोई भी सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, और ना ही सिर्फ अपने क्लाइंट को, सिर्फ अपने एनालिसिस को। एक हमारे पुराने क्लाइंट्स या हमारे पुराने जो फ्रेंड सर्कल है, हम उसी में काम करते हैं। तो थैंक यू गाइस, आई होप कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम कुछ और वीडियो इस पे लेके आएंगे, और बहुत जल्दी हम ऑप्शन पे अच्छी वीडियो लेके आएंगे। आप ये हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन बाइंग का, और अभी हम स्टॉक बाइंग में भी जा रहे हैं, हम अच्छी क्वांटिटी कर पाए। हम 500 क्वांटिटी या 500,000 क्वांटिटी अगर हमें कोई स्टॉक करना है तो हम उसका एक एटीएम ऑप्शन बाइंग करें, ना कि हम उसका स्टॉक बाइंग करें। तो 2 लाख 3 लाख के मार्जिन में कोई भी स्टॉक को ट्रेड किया जा सकता है इजिली फॉर इंट्राडे। हमारी सभी स्ट्रेटेजी इंट्राडे होती है बेसिकली। अगर हम उसको, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये पोजिशनल करना है, तो पोजिशनल में आपको हमने यहीं कहीं कुछ रखा हुआ है पोजिशनल के लिए। अगर पोजिशनल में जाएंगे, एक्यूरेसी देखिए 67%, एक्यूरेसी गैप अप गैप डाउन की वजह से थोड़ा सा ट्रेड बढ़ा है, एक्यूरेसी भी कम हुई है, ये भी हुई है, ड्रा डाउन भी बढ़ गया है, राइट। सिर्फ गैप अप गैप डाउन की वजह से है, और नहीं तो आप सिंपली इंट्राडे में पोजिशन आपकी क्लोज हो रही है, आपको कोई होल्डिंग नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, और एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और जल्दी ही हम आपसे दूसरी वीडियोज में मिलेंगे, वो बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन में, राइट। अभी हम इसमें हम कर रहे थे तो बेसिकली फिल्टर है, तो अभी हम निफ्टी को भी देख लेते हैं। देखिए निफ्टी ने 8 लाख कुछ और उसने 40 लाख कुछ, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और 62% का एक्यूरेसी, मतलब निफ्टी को डालने से एक्यूरेसी कम हुई, राइट। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे तो निफ्टी भी ट्रेड करने के लिए स्मॉल क्वांटिटीज आप वहां पे कर सकते हो, निफ्टी ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक ट्रेड कर सकते हो। द सेम कंसेप्ट कैन बी फॉलो इन स्टॉक एज वेल एज। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मार्केट में या ऑप्शन बाइंग में या किसी भी स्ट्रेटेजी में मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, मेरी सलाह मत मानिए, लेकिन एक कंसेप्ट को समझिए। मनी मैनेजमेंट का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, यू ऑलवेज नो अबाउट योर स्टॉप लॉस, यू नेवर वांट्स टू नो अबाउट योर प्रॉफिट। प्रॉफिट को चलने दें, करते रहें। आपको 10 रुपए पे एग्जिट करना है, आप ट्रेलिंग चालू करें, उसको ब्रेक इवन सेट करें, एंट्री पॉइंट को स्टॉप लॉस रखें, प्रॉफिट में लंबा बैठे इंतजार करें। आप 2 लोट के ट्रेडर हैं, 1 लोट के ट्रेडर हैं, ऑप्शन का सिंगल बाइंग करते हैं, आप 10,000 का कोई स्टॉक खरीदते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए सेम है।
जब आप देखेंगे मंथ एंड में तो मार्केट के साथ जब प्रॉफिट में बैठे होंगे, स्टॉप लॉस भले ही आपके आपके फिक्स स्टॉप लॉस हैं, 10 पॉइंट का है, 20 पॉइंट का है, 100 पॉइंट का है, 1000 पॉइंट का, कुछ भी, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, स्टॉप लॉस शुड बी लिमिटेड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, दिस इज नवीन सरोहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब।